अरविंद केजरीवाल स्पीकिंग एट दिस टाइम, आई जस्ट वांट टू लिसन टू व्हाट ही से। हो गई है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो उम्मीद थी कि जैसे ही ये सरकार आएगी तो महंगाई से छुटकारा मिलेगा। पिछले एक महीने में इन्होंने महंगाई कम करने की बजाय एक के बाद एक इतनी सारी चीजों के दाम बढ़ा दिए कि जनता महंगाई की वजह से बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। तो एक आखिरी उम्मीद की किरण ये बजट था। लोगों को ये लग रहा था कि पिछले एक महीने में जो महंगाई हुई है, इस बजट के अंदर वो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि अब महंगाई कम होगी। लेकिन इस महंगाई के ऊपर ये पूरा का पूरा बजट साइलेंट है और महंगाई को कम करने के लिए कोई भी एक भी कदम नहीं उठाया गया है। तो जनता इसमें से क्या निकाले। फिर मोदी जी ने कहा था, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। पिछले एक महीने में और इस बजट में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। हमने बार बार कहा कि जब तक आप भ्रष्टाचार कम नहीं करेंगे तब तक महंगाई कम नहीं हो सकती है, लेकिन भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। एक आम आदमी को अपने बच्चों को पढ़ाना मुश्किल होता है, घर में अगर कोई बीमार हो जाए तो अस्पताल में इलाज कराना मुश्किल होता है, सरकारी अस्पतालों की, सरकारी स्कूलों की हालत बड़ी खस्ता है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर इस बजट ने कोई काम नहीं किया, इस बजट के अंदर कोई प्रावधान नहीं है कि शिक्षा को और स्वास्थ्य को कैसे सुधारा जाएगा। बेरोजगारी हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी को दूर करने के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। कल इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया, उसमें कहा गया कि नर्सों की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, टीचर्स की कमी है, लेकिन उस कमी को दूर करने के लिए भी कुछ नहीं किया गया। लेकिन दूसरी तरफ देश भर में और खास तौर से दिल्ली में नर्सें, टीचर, डॉक्टर ठेकेदारी के ऊपर रखे जा रहे हैं, उनकी डिमांड है कि उनको पक्का किया जाए, उसके बारे में ये पूरा का पूरा बजट शांत है। तो एक मोटी मोटी बात यह है कि अभी तक लोग सोच रहे थे कि शायद अब अच्छे दिन आएंगे, शायद अब अच्छे दिन आएंगे। आज के बजट के बाद ये साफ हो गया कि अब अच्छे दिनों की उम्मीद भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि सरकार के पास ना कोई आइडिया बचा है और ना कोई इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कुछ बचा है। तो उम्मीद भी जो थी लोगों की, वो सरकार बनने के एक महीने के अंदर ही खत्म हो चुकी है। और इस पूरे बजट को देखें तो अगर वहां पे जेटली साहब की जगह चिदंबरम साहब को बिठा देते तो वो भी इसी तरह का बजट प्रेजेंट करते, और जेटली साहब ने भी, तो यूपीए और एनडीए के इस बजट के अंदर दोनों में कोई खास फर्क नहीं है और पूरा का पूरा बजट जो है वो दिशाहीन है। लेकिन दिल्ली में जिस तरह से 700 करोड़ रुपए मिले हैं पानी और बिजली को लेकर, देखिए सर, 200 करोड़ रुपए से ये बिजली का क्या सुधार करेंगे मुझे तो समझ नहीं आया। अगर बहुत अच्छा होता अगर ये दिल्ली वालों को बिजली की सब्सिडी दे देते, दिल्ली के लोग बिजली के बिल भर भर के परेशान हो चुके हैं। अगर हमने उस टाइम सब्सिडी दी थी तो इसका मतलब सब्सिडी दी जा सकती है। 200 करोड़ रुपए के अंदर